हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिश्रा नर्सिंग क्लासेस। दोस्तों, एक सोशल मीडिया पर सर्कुलर वायरल हो रहा है, एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी या CHO को नियमित किया जाएगा, उनको परमानेंट किया जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे को डायरेक्टली मैसेज भी कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, और लेटर भी भेज रहे हैं कि सर ऐसा है कि ये मैं परमानेंट कर रहे हैं क्या। तो इस पर वीडियो बनाना थोड़ा ज़रूरी लगा, इसलिए ये आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है ना। तो आपको जो मेरे अनुभव के हिसाब से जो इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, पहले देखो नियमित होंगे या नहीं होंगे, उससे पहले अपन कुछ लेटर की लैंग्वेज समझना ज़रूरी है। हालांकि आगे और पीछे आपको बता दूं मैं, CA तो नियमित तो होंगे, है ना, चाहे भले आज हो या दो चार साल बाद में हो, लेकिन आपका बहुत बड़ा कैडर हो चुका है। प्रजेंट में आप 94,000 यानी कि 1,00,000 की संख्या में ऑल इंडिया में वर्किंग कर रहे हो। लेकिन पहले इस लेटर को समझें कि लेटर में वाकई में नियमित का लिखा हुआ है या कुछ और ना। देखिए, आप पूरा देख सकते हो कि इसमें जो मैं बेसिकली समझा दूँ कि इन्होंने लिखा है कि CHO है जो आयुष्मान भारत योजना के थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर एक नई पोस्ट क्रिएट की गई थी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये गोल था कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को, या फिर जो ग्रामीण रिमोट एरियाज में जहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है या डॉक्टर्स नहीं जाते, वहाँ पर ड्यूटी करना पसंद नहीं करते, उन एरियाज में CHO को नियुक्त करके रूरल एरियाज यानी ग्रामीण इलाके के व्यक्तियों को प्राइमरी लेवल का ट्रीटमेंट देने के लिए CHO की पोस्ट क्रिएट की गई है। सेकंड कॉलम में ये बताया गया है कि इन्होंने जो बताया कि टिल नाउ जो जुलाई 2022 तक है, 94,308 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ऑल इंडिया में वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट का बात करूँ तो इसमें देखिए, मनी स्टेट हैव डिसाइडेड टू मेक द पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इन एंट्री लेवल रेगुलर पोस्ट नर्सिंग कैडर। देखिए, काफ़ी सारे स्टेट्स ने क्या किया है, और कि नर्सिंग में जो एंट्री लेवल की जो पोस्ट है वो CHO क्रिएट की जाए, और उनको CHO पर फिक्सड नंबर ऑफ ईयर्स बिफोर मूविंग टू, उनको जो सब सेंटर है वहाँ पर कुछ फिक्सड नंबर ऑफ ईयर्स, 2 साल, 5 साल या 10 साल, ऐसे कुछ साल तक उनकी सर्विस सब सेंटर पर ली जाए, उसके बाद में उनको प्रमोट करके PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर CHC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर उनको ट्रांसफ़र किया जाए। यानी इनिशियल लेवल की पोस्ट क्रिएट करें कहाँ पर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, जैसा कि मोस्ट ऑफ स्टेट्स में हो चुका है। अब इन्होंने नर्सिंग कैडर में जोड़ने के साथ में इस पोस्ट को एंट्री लेवल की पोस्ट भी करने का माना है काफ़ी सारे स्टेट्स में। अब फोर्थ नंबर पॉइंट में इन्होंने बता रखा है, देखो, इट इज़ सजेस्टेड यानी कि किसने, जो मिशन डायरेक्टर है, एडिशनल सेक्रेटरी एंड मिशन डायरेक्टर ने लेटर लिखा है सभी स्टेट्स को, 29 अगस्त का लेटर है। इन्होंने सजेस्ट किया है, देखिए ये सिर्फ सजेशन है, क्लियर समझना एक बात को, ये सिर्फ सजेशन है ऑल स्टेट्स को। इट इज सजेस्टेड दैट ऑल UTs यानी सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कंसिडर टू क्रिएट सच रेगुलर पोस्ट। देखिए, इन्होंने लिखा है कि आप ऐसा कर सकते हो, सभी राज्य और UT को बोल रहे हैं कि आप रेगुलर पोस्ट क्रिएट कर सकते हो और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लेवल पर फॉर CHO दी नर्सिंग कैडर, यानी कि गवर्नमेंट ने तो उनको सुझाव दिया है कि आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए CHO पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। अब फिर आगे इन्होंने लिखा है कि एनी टेक्निकल असिस्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शाल बी एक्सटेंडेड फॉर द सेम, द क्यूरीज इन दिस रिगार्ड मे बी सेंड टू एडवाइजर। ये ID दी इन्होंने, कुछ कोई क्यूरी हो इससे रिगार्डिंग तो ये इन पर और कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी जो मिशन डायरेक्टर वगैरह है, इस पोस्ट को नर्सिंग कैडर में क्रिएट करना है या नहीं करना उस रिलेटेड। तो इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपको परमानेंट करना है। हाँ, इन्होंने रेगुलर पोस्ट क्रिएट करने का बोला है कि आने वाले रिक्रूटमेंट्स को रेगुलर पोस्ट के जरिए आप क्रिएट कर सकते हो, सुझाव दिया इन्होंने सभी गवर्नमेंट्स को। तो ये मानकर चलिए कुछ राज्य जहाँ तक स्टार्ट कर सकते हैं CHO की आने वाली पोस्ट को रेगुलर बेस पर, एक बार किसी भी राज्य में स्टार्ट हो गया तो मानकर चलिए आप सभी राज्य में धीरे धीरे रेगुलर पोस्ट आने लग जाएगी, जो लगे हुए हैं वो CHO भी इन फ्यूचर परमानेंट हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे। उसका कारण एक ही, जो ये आपका कैडर है बहुत बड़ा है, आपकी संख्या बल ज़्यादा है, आपका जब अच्छी यूनियन बना लोगे आप, अच्छा गवर्नमेंट को प्रेशर रखोगे, तो इन फ्यूचर आप परमानेंट भी हो जाओगे, और कम्युनिटी हेल्थ में जो एक ग्रामीण डॉक्टर के रूप में आप जान जाओगे। जो हालांकि आप अभी सभी कम्युनिटी सभी ऑफिसर्स है जो रूरल एरियाज में ग्रामीण एरियाज में अपनी अच्छी सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है। तो बाकी इस लेटर की बात करूँ तो इस लेटर में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि आपको नियमित किया जाएगा, लेकिन यह है कि आपको इन फ्यूचर नियमित कर दिया जाएगा ना। तो बाकी आप रेगुलर तैयारी वगैरह कर रहे हो तो इस लेटर से संबंधित यही लैंग्वेज है, बाकी इसमें अभी तक इस लेटर में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आपको नियमित किया जाएगा या नहीं, ठीक है। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज।
ना थकान होनी चाहिए ना हार होनी चाहिए, जीतने की जितनी और ये जिद आपकी बरकरार रहनी चाहिए। इसी जिद को बरकरार करने के लिए मिशन आई लेकर आया आपके लिए बेहतरीन कॉम्बो प्लान। जी हाँ, एक बेहतरीन कॉम्बो प्लान जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा आपके नोट शेट 2022 एम्स नोट शेट 2022 नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए, जिसमें आपको मिशन परिचारिका बुक मिलेगी जिसमें कंप्लीट नर्सिंग सब्जेक्ट की थ्योरी मिलेगी। सेकेंड बुक मिशन ओल्ड पेपर जिसमें आपको 2015 से 2022 तक के पूरे पुराने पेपर्स विद सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। थर्ड बुक की बात करूं तो मिशन नॉन टेक जिसमें आपके ऑल नॉन टेक सब नॉन टेक सब्जेक्ट्स जहां से आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं बेथ रीजनिंग जीके कंप्यूटर की एक शॉर्ट बुक मिलेगी। इसके अलावा फोर्थ बुक की बात करूं तो मिशन नॉर्थ सेट चैंपियन जिसमें ओनली इमेज बेस्ड क्वेश्चंस है, 1000 प्लस इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे। फिफ्थ बुक की बात करूं तो मिशन नॉर्थ सेट बूस्टर, जी हां मिशन नॉर्थ सेट बूस्टर जिसमें आपको 25 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसमें मोस्ट सिलेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ओनली मोस्ट सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 2500 एमसीक्यूज जो आपको 25 प्रैक्टिस टेस्ट में मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक पूरा बेहतरीन कॉम्बो प्लान है जो आपके नोट शेट 2022 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आसान बनाएगा। तो दोस्तों देर किस बात की, आज अभी जो स्क्रीन पर मोबाइल नंबर देख रहे हैं उस पर आप जाकर व्हाट्सएप या वेबसाइट विजिट करके ऑर्डर कर सकते हैं और नोट शेट 2022 के एग्जाम को फाइट कर सकते हैं विद मिशन आई। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।